सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर आज कुल 14 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को श्रीनगर जाने की इजाजत दी गई। येचुरी अपनी पार्टी के नजरबंद विधायक एमवाई तरीगामी से मिलने की इजाजत मांग रहे थे। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं क्या सुनवाई में क्या कुछ खास रहा। सीताराम येचुरी ने कोर्ट के सामने अपने बीमार विधायक दोस्त से मिलने की इजाजत मांगी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप जा सकते हैं लेकिन इस दौरान आप कुछ और काम नहीं कर पाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये पर्सनल नहीं पॉलिटिकल विजिट पर जाना चाहते थे, इसलिए सरकार ने इन्हें रोका है। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद सीताराम येचुरी अब गुरुवार को श्रीनगर जाएंगे। इससे पहले भी येचुरी श्रीनगर गए थे लेकिन प्रशासन ने उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस दिल्ली भेज दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश के किसी भी नागरिक को कहीं भी जाने का अधिकार है। चीफ जस्टिस ने प्रेस फ्रीडम से जुड़े मसले पर भी सुनवाई करते हुए सरकार को अगले 7 दिनों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।